एक और किसान क्षेत्र में हुई अल्प वर्षा से प्रभावित फसलों के मुआवजे की गुहार सरकार से लगा ही रहे थे कि क्षेत्र में लगातार 2 दिनों तक हुई तेज बारिश से किसानों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। भारी बारिश से नदी नालों और खेतों में पानी भरने से बची हुई फसलें भी पूरी तरह से चौपट हो गई और किसान अब खून के आंसू रोने पर मजबूर है। वहीं खेत पानी से पूरे भर गए हैं। गर्मी में लगाया कपास पूरी तरह खराब हो गया। कपास के डेंडू सड़न पकड़ चुके हैं। मक्का सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी हैं। वर्षा के साथ चले हवा के वेग ने फसलों को जमीन पर लिटा दिया है। रविवार को मौसम खुलने पर किसान खेतों में पहुंचे और फसलों की दुर्गति देखकर उनके गले आंसुओं से तर गए। वहीं अब किसान शासन प्रशासन से फसलों का सर्वे कर उचित मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। सहगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम लिखते आप? पंकज मंडलोई। कितने एकड़ कपास है? ये पूरा अपना 6 एकड़ में कपास है। करीबन कितने यहाँ कितना निकलता कपास का अनुमानित? कपास अनुमानित इसमें 70 क्विंटल तो कहीं नहीं गया था ये। अच्छा, अभी क्या निकल सकता है इसमें? कुछ निकलेगा? इसमें 40% कम हो जाएगा। अच्छा, 40-50% नुकसान हुआ है। पानी कल की जो भारी वृष्टि हुई है तो इसके कारण से पूरा कपास सो गया है और पूरी फसल जो है ये पूरी लगभग सो गई है। पूरी डगाले टूट गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि पूरा सो रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है खेतों में और इसके कारण जो है इसके उत्पादन में कमी आएगी और लगभग ख़त्म हो गया, ये सब सड़ जाएगा पूरा का पूरा। क्या नाम लिखते हो आप? पंकज मंडलोई। कहाँ से हो? सेगांव से। चलिए ठीक। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमको बस यही है कि हमारा जो खर्च है उसका मुआवजा मिल जाए। ठीक है। क्या फसलों की क्या स्थिति आपके यहाँ? बहुत खराब हो गई। कैसा नुकसान हुआ? ये हवा चली, पानी गिरा, सबको हमको चिपका दिया है। क्या चाहते आप सरकार से? सरकार से मुआवजे चाहते हम तो, नहीं देव हम यहाँ चक्का जाम करेंगे। कितना नुकसान हुआ आपका? बहुत, मेरे कम 4-5 लाख का हो गया। क्या नाम लिखते हैं? माधु शंकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।